करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने लघु सचिवालय करनाल के सभागार में मासिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शहर में हो रहे विकास कार्यों के विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत शहर की सड़कों के निर्माण कार्य एवं जो कार्य संपूर्ण हो चुके हैं उनके बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि नेवल हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर कार्य जोरों पर है। यहाँ पर बड़ा हवाई अड्डा बनेगा जिससे आसपास के जिलों के लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह समय समय पर स्कूलों में जाकर चेक करें कि वहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है, परंतु सावधानी के चलते जिला प्रशासन द्वारा होली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी। वही पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि नगर निगम में जो रजिस्ट्री ऑनलाइन घोटाला हुआ था उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अब इस मामले की जांच जारी है। विशेष मुद्दे हैं, पहले तो हम आपसे वो चर्चा कर लेते हैं मेन मुख्य मुख्य मुद्दों पे, उसके बाद कुछ आपके सवाल जवाब हैं होंगे वो टेकअप करेंगे। सबसे पहला तो मुद्दा है कि जैसा आप लोगों को सबको मालूम है करनाल जिले में कोरोना के केसेस पिछले कुछ समय से बढ़ने लगे हैं और विशेष रूप से जो स्कूल्स हैं हमारी अब तक टोटल 64 स्कूलें ऐसी हैं जिसमें कम से कम एक आध तो केस आ ही चुका है। टोटल ज़िले में अभी 700-750 के करीब एक्टिव केस हैं, लेकिन 64 स्कूल्स ऐसी हैं जिनमें मिनिमम एक स्कूल तो मिला है, बच्चों केस तो मिला है बच्चों का, स्कूली स्टूडेंट्स का। तो इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सभी ज़िलों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग ली गई और फिर जिला प्रशासन में हमने भी सारे के सारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स की और SHOs की बैठक करके उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उनमें एक तो ये है कि हमने टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे ज़िले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब, तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारी की सारी स्कूलों को एक एक बार कवर कर लें, जिसके तहत हम ये चेक करेंगे कि बच्चों को मास्क दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, ये अनिवार्य है कि बच्चे मास्क पहन के बैठेंगे और स्कूल प्रशासन, अगर बच्चे नहीं पहन के आते मास्क तो स्कूल प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा। तो मास्क पहनना एक चीज़ देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देख करके जहाँ जहाँ भी गलतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पर फिर हम उनको स्कूल प्रशासन को नोटिस देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और IPC में भी। इसके अलावा जितने भी हमारे आजकल काफ़ी सोशल फंक्शंस आयोजित होते हैं, चाहे वो शादियां हों, मैरिजेज हों, या आने वाला अब होली का समय है तो होली मिलन के काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं, पीछे शिवरात्रि थी, इसके आने वाले समय में नवरात्रे आएंगे, फिर बैसाखी आएगी, तो जितने भी सोशल फंक्शंस हैं इसमें विशेष रूप से आयोजक की जिम्मेदारी रहेगी कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स निश्चित रूप से फॉलो हों। अगर नहीं होंगे तो ये हमारी 17 टीमें जा जा के वहाँ पे चालानिंग करेंगी और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चालानिंग पे हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, सभी टीम्स को बकायदा मैं कहूँगा टारगेट्स दिए गए हैं कि उन्होंने रोड पे खड़े रहना है पूरे टाइम, लोगों को चालानिंग करनी है, फंक्शंस में भी जाना है। सैम्पलिंग पे हम जोर दे रहे हैं, लगभग 2000 टेस्ट हम आज की डेट में दिन में कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इसको बढ़ा के 2500 से 3000 तक लेके जाएँ। अगला हमारा फोकस वैक्सीनेशन है, ज़िले में लगभग 51,000 लोगों को टीका कोरोना का लग चुका है और अब हमारा जो फोकस है वो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं। हर सोमवार को वैक्सीनेशन डे मनाया जाएगा, जिस दिन पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को टीके लगें। तो इस सिलसिले में हमने जो पिछला सोमवार गया इसको 10,500 टीके लगाए थे, इवन कल बृहस्पतिवार को भी 9,500 टीके हमने लगाए हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो एक तो मेरी सभी लोगों से आग्रह रहेगी कि लगभग 70 से अधिक हमने सरकारी केंद्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, 20 के करीब प्राइवेट सेंटर्स भी हैं, तो इन सब जगह जो भी 60 साल से ऊपर का हो तुरंत कोरोना की डोज लेके जाए, साइंटिफिकली प्रूवन है, सब लोगों ने लगा लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने, हमने खुद भी वैक्सीन लगाई है, पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक जो नई चीज़ है वो अभी चूँकि प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू होने वाला है, फसल को खरीद का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उसमें एक तो मैं सब लोगों से आग्रह करूँगा जो किसान भाई हैं कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अपना कि फसल की रजिस्ट्रेशन करवा दे, पोर्टल दोबारा से खोला जा रहा है। अगर उसमें कोई भी किसान अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी या सबसे अंत में की जाएगी, उसको परेशानी भुगतनी पड़ेगी।
इसके अलावा सरकार का जो है इस बार कॉल भी है कि किस स्मूथ तरीके से प्रोक्योरमेंट करनी है और जो किसान है सीधा उनके खाते में पैसे डालने हैं, तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं जो करनाल जिले के हैं, जो या तो शुरू किए गए हैं या कंप्लीशन के कगार पे हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। एक तो ईस्टर्न बाईपास हमारा प्रपोज्ड है, जो कि करण लेक्स के करीब से निकल के और फिर जो कुंजपुरा साइड से होता हुआ वापस से मधुबन जा कर के मिलेगा और मधुबन से भी आगे मुनक रोड को टच करेगा। ये बाईपास बनने से पूरे के पूरे करनाल शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल हाईवे ने बना ली है और सर स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में हफ्ते एक पहले ही उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। नेशनल हाईवे ने ये प्रोजेक्ट अपने हेड ऑफिस भेजा है। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में उसका अप्रूवल होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि जून तक जो है इसका कार्य भी धरातल पर शुरू हो जाएगा। करनाल सभी करनाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। लगभग 1500 से 1600 करोड़ इसकी की खर्चा आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक RRTS कॉरिडोर जो है, दिल्ली से करनाल RRTS कॉरिडोर है, अभी हफ्ते 10 दिन पहले NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक टीम के साथ मेरी बैठक हुई थी और उसमें जो RRTS कॉरिडोर है उसके पे डिटेल चर्चा हुई। उन्होंने वो कॉरिडोर पहले सिर्फ पानीपत तक लिमिटेड था, उसके बाद जो है उसको करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा बढ़ाया गया है। तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उन्होंने लैंड सर्वे का काम पूरा कर दिया है। प्राइमरीली 3 स्टेशंस उसके प्रपोज्ड हैं। पानीपत तक तो दिल्ली से पानीपत 17 स्टेशन थे, पानीपत से करनाल 3 स्टेशंस प्रपोज्ड हैं। एक तो घरौंडा में स्टेशन बनेगा, एक करनाल शहर के साउथ में बनेगा जो मधुबन साइड होगा, और आखिरी स्टेशन होगा बलडी बाईपास पे करनाल नॉर्थ। और ये मेट्रो से लगभग काफ़ी इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 100 किलोमीटर पर आएगी। मेट्रो की दिल्ली मेट्रो की स्पीड अभी एवरेज 30 से 40 किलोमीटर पर आवर आती है, तो ये इससे जो दिल्ली के की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम जो है पूरी कर सकते हैं। तो ये भी अगेन शहरवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात निकल के आएगी। जो हमारी शुगर मिल है लगभग 270 करोड़ से उसका रेनोवेशन का और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य प्रगति पे था, वो कार्य लगभग पूरा हो गया है। हमारी कोशिश है कि 30 मार्च से यानी इसी महीने से उसका ट्रायल हम शुरू कर दें और लगभग 15-20 दिन के ट्रायल के बाद फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन कराएंगे। इस एरिया के, ना केवल करनाल जिले के बल्कि इस एरिया के सभी गन्ना उगाने वाले जो किसान हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि इससे मिल की कैपेसिटी 2200 टन क्रशिंग पर डे से बढ़कर के 3500 यानी लगभग 1.5-2 गुना इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ बिजली बनाने का संयंत्र भी लगेगा और काफ़ी सारी सुविधाएं भी, उसके अंदर की सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, सारी सुविधाएं जो है उसमें शुगर मिल में दी जाएगी। मेरठ रोड की जो 6 लेनिंग और 4 लेनिंग का कार्य है वो प्रगति पे है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो इसका डेडलाइन है फरवरी 2022 उस तक हम कंप्लीट कर दें कार्य को। नंगला मेघा चौक पे एक बात आई थी कि वहाँ पहले फ्लाईओवर प्रपोज नहीं था, वो भी हमने सरकार से मंजूर कराया है कि वहाँ पे अब फ्लाईओवर दिया जाएगा ताकि आसपास के 10-12-15 गांव हैं उनको इसका एडवांटेज हो सके। स्मार्ट सिटी के तहत करनाल शहर में स्मार्ट लाइट लगाने का टेंडर जो है पहली बारी कैंसिल हो गया था, पार्टीज पूरी नहीं आई थी, दोबारा से लगाया गया है। लगभग एक हफ्ते बाद वो टेंडर खुलेगा। कोशिश रहेगी कि मार्च एंड तक उसका भी हम कार्य धरातल पर शुरू करा सकें। एविएशन क्लब एक्सपेंशन का आपको सबको सूचना मिल गई होगी, सरकार के द्वारा जो उसका एक्सपेंशन है उसको मंजूर कर दिया है और उसके अंदर जो भूमि की खरीद होनी है किसानों से वो भी मंजूर कर दी गई है। हफ्ते के अंदर जो है वो राशि किसानों के खातों में डाल करके उनसे रजिस्ट्री जो है सरकार के नाम करा ली जाएगी। इसमें कुछ किसान थे जो अपनी ज़मीन बेचने के लिए सहमत नहीं थे, तो सरकार की जो एक लैंड पूलिंग की पॉलिसी है और वॉलंटरी परचेज पॉलिसी है उसको मिलाकर के अगर 70% किसान किसी भी प्रोजेक्ट में एग्री होते हैं तो बाकी 30% किसानों की ज़मीन सरकार ले सकती है और उनको बदले में कोई अल्टरनेटिव लैंड दे सकती है। तो हमने कलवेड़ी में और वहाँ नेवल में अल्टरनेट लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, जो लगभग 20-22% किसान जो एग्री नहीं है उनको अल्टरनेट जगह दे दी जाएगी। और इसके जो एविएशन क्लब है इसके एक्सपेंशन का रास्ता अब साफ हो गया है। इसकी जो लेंथ बढ़ा करके 5000 फीट की जाएगी और यहाँ पे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का इसके बाद भी प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा जो WJC कैनाल है उसमें काछवा पुल से और कैथल पुल के बीच में जो एक कनाल रिवर कनाल फ्रंट डेवलप करने का, साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पे कनाल फ्रंट डेवलप करने का कार्य है वो अब शुरू करा दिया गया है। परसों इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दे दिया गया है
और वो काम विधिवत रूप से मौके पे शुरू हो गया है। लगभग 8 महीने इस काम में लगेंगे, तो कोशिश रहेगी हमारी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास एक शहरवासियों के लिए लगभग 6.5 करोड़ की ये एक सौगात हम दे दें। इस प्रकार से कोई भी प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हालांकि ये अलार्मिंग ज़रूर है कि नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम एहतियात के तौर पे चेकिंग और चालानिंग पे ही निर्भर कर रहे हैं, अभी सरकार का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। सर, काफ़ी काम चल रही है सर, कुछ काम है जैसे बसंत विहार है, वहाँ काफ़ी और भी कुछ कॉलोनी है, वहाँ काम रुके हुए हैं सर, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, पैसों का अभाव बता रहे हैं, तो सर ये काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा? वसंत विहार में विशेष रूप से डेफिशिएंट कॉलोनी के तहत सड़कें और गलियाँ बनने का कार्य चल रहे हैं। काफ़ी सारी गलियाँ, लगभग 15-16 गलियाँ हैं, कुछ काफ़ी सारी कम्प्लीट हो चुकी हैं, कुछ बची हैं। मैं इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी एक बार राउंड लेके देख के आया था, तो उसमें कुछ फंड्स की कमी थी जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनकी फाइल अटकी हुई थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उससे पहले तो हमने उनको नोट भी कराया था, और वो फंड जल्दी ही मंजूर करके हम इस कार्य को दोबारा से शुरू करवा देंगे। मंडियों में एक बार तो इस बार जो हर बार की से अलग होगा वो ये कि शेड्यूलिंग के आधार पे ही फसल खरीदी जाएगी। सो जिस भी किसान को और सभी किसानों को एडवांस में आने वाले सीज़न में 1 अप्रैल से जैसे खरीद शुरू होगी तो महीने डेढ़ महीने की शेड्यूलिंग सबको मैसेज कर दिया जाएगा मोबाइल पे, तो किसान को पता होगा कि कौन सी तारीख को कितने बजे किस मंडी में उसे अपने फसल लेके आनी है, और गेट पे वो मैसेज चेक करा के ही फसल खरीदी जाएगी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हर बार की तरह ऐसा ना हो कि इकट्ठा का इकट्ठा एक ही दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा का सारा अनाज आ जाए और फिर उसकी लिफ्टिंग वगैरह ना होने की वजह से उसमें नुकसान हो, कई बार बारिश या जल भराव होने की वजह से वो ख़राब होता है। तो अब शेड्यूलिंग के हिसाब से खरीदी जाएगी ताकि उसमें कोई भीड़ भाड़ ना हो और अच्छे तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ फसल खरीदी जाए। पहचान पत्र वेरिफिकेशन में, बल्कि मैं इनफैक्ट ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं बताना भूल गया, 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो भी बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सहायता दी जाएगी। तो उसमें सर पूरे प्रदेश के पास कुछ ऐसे परिवार आए हैं जिनकी इनकम एक मिनिमम लेवल से कम है, तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए इन लोकल कमेटीज़ की ड्यूटी लगी है जिसमें BLOs और टीचर्स भी हैं। इनकी एक मांग थी कि ये हमें जो है टीचिंग का कार्य भी करना है, BLO का कार्य भी करना है, कोई रेमुनरेशन भी नहीं दिया जा रहा एक्स्ट्रा और हमसे काम लिया जाता है। तो इसमें सरकार ने दो चीज़ें इस पे की हैं, एक तो ये कि इनका साल का 4,000 रुपये मेहनताना तय किया है ताकि इनको एक ऑनरेरियम उसके आधार पर मिले। दूसरा, सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी डेफिनेशन वाइड कर दी है, अब उसमें कुछ और प्रकार के कर्मचारी अधिकारी भी लिए जा सकते हैं, तो अगर कहीं पे कोई BLOs की इशू है, शॉर्टेज है, कोई दिक्कत है, तो उनको रिप्लेस करके किसी और डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी लेने का प्रावधान सरकार ने 2 दिन में किया है। फिर भी मेरी आग्रह रहेगी, क्योंकि अभी स्कूल्स में कार्य जो है वो सीज़न के बाद, अभी बीच में छुट्टियां भी आएंगी, एग्ज़ाम्स का टाइम भी होगा, तो जो BLOs की जिन की ड्यूटी है, क्योंकि हाउस होल्ड लेके घर को जानते हैं, सर्वे करते हैं, तो उनसे उचित माध्यम नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, हर एक कमेटी को मुश्किल से 20 से 25 परिवार दिए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि एक BLO के लिए एक दिन का कार्य होगा, ये मुश्किल से 20-25 घर में जाके वेरीफाई करना, तो ये विरोध करना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। पब्लिक यूटिलिटीज़, लाइब्रेरी, पार्क वगैरह बनेगा, तो ये प्रस्ताव हमने अभी तैयार किया है, एक बार प्राइमरी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा भी हो गई है, दोबारा से उनको दिखा के अप्रूव करा करके फिर हम इसको शुरू कर लेंगे। जहाँ तक पुराने नगर निगम की बिल्डिंग की सवाल है, अभी तो उसमें टाइलें लगाई जा रही हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ हमारा पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है टेम्परेरी तौर पे, तो लॉन्ग टर्म में उसका प्लान हमने तैयार किया है शॉप्स का, कि जो भी शॉपकीपर्स हैं उनको बदले की दुकानें दे करके और जो सामने की दुकानें हैं उनको गिरा करके रोड में शामिल कर दिया जाए ताकि सड़क चौड़ी हो जाए, और बदले की दुकानें उनको पीछे उस बिल्डिंग में दे दी जाए। लेकिन वो हरियाणा सरकार को एक पॉलिसी अभी बनानी है जिसके तहत 20 साल से अधिक समय पे जो नगर निगम की प्रॉपर्टी पे दुकानों पे बैठे हैं उनको उनकी ओनरशिप दे दी जाए, तो जब वो पॉलिसी बनेगी तब वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। तब तक टेम्परेरी तौर पे एक तो ओल्ड MC के बिल्डिंग में, एक पुरानी सब्जी मंडी में, इसके अलावा जनरली कोठी में, ऐसी 3-4 जगह पे हम पार्किंग बना रहे हैं, लगभग बन के तैयार हो गई हैं। एक लेकिन उसमें क्या तहसील के कर्मचारी अधिकारी या नगर निगम के कोई अधिकारी कर्मचारी कोई शामिल नहीं थे? देखिए, जो नगर निगम की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें ये आरोप थे कि कुछ कर्मचारियों ने मिलीभगत करके 209 के आसपास टेम्पररी ID अवैध रूप से जनरेट की है और इसको हैक किया गया है। उसके बाद में हमारी तरफ से जांच अमल में लाई गई थी
जांच के दौरान ये पाया गया कि जो ऑथराइज अनऑथराइज कॉलोनी है उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए उस एरिया को ऑथराइज के रूप में भर करके उसके बाद में टेम्प्ररी आईडी जनरेट की गई और उसके आधार पर नोटिस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। दो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन हैकिंग जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि किसी ने सॉफ्टवेयर को हैक किया था और उसके बाद में ये इस प्रकार से एनडीसी और टेम्प्ररी आईडी जनरेट करी थी। उसके बाद का जहाँ तक विषय है तहसील से जो अनऑथराइज एरिया की एनडीसी जारी करवाने के बाद उसको ऑथराइज दिखा करके जो टेम्प्ररी आईडी जनरेट हुई और फिर उसके आधार पर किसी और एरिया की रजिस्ट्री जो करवाई गई थी उसके बारे में मैंने डीसी साहब को एक पत्र भी लिखा है। डीसी साहब उस पर जो भी अपनी तरफ से उचित संज्ञान लेंगे और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में पुलिस के लेवल पे कोई जांच की आवश्यकता हो तो वो भी हमें सूचित करें। सर, क्योंकि ब्रीफिंग जरूर होनी चाहिए, इतना बड़ा एक स्कैम सा हो जाता है, कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि जो शिकायतकर्ता मैडम महिला थी इसमें, यू मैम थी, वो उनका भी ट्रांसफर हो जाता है उसी दौरान ही ट्रांसफर हो जाता है, जबकि वो खुद शिकायतकर्ता थी और उन्होंने जब शुरुआत में अपने लेवल पर जाँच की थी ज्वाइंट कमीशन ने और उन्होंने कहा था कि हैकिंग हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई ना कोई अधिकारी तहसील लेवल पे या नगर निगम लेवल में कोई ना कोई शामिल होगा जो अंदर के इनको पॉइंट्स इतनी जानकारियां जो है दे रहा था। देखिए, जो जांच होती है वो सभी जितने भी हमारे पास में जो हम साक्ष्य एकत्रित करते हैं, चाहे वो डिजिटल साक्ष्य हो चाहे किसी को वर्बली बुला करके उनसे जो पूछताछ होती है उसके आधार पर बाद में कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हैकिंग जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। हाँ, कुछ जो आरोपियों ने मिली भगत करके आपस में जो अनऑथराइज एरिया की रजिस्ट्री करवाने के लिए एक सारा घटनाक्रम हुआ था उसमें दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी हमने मामले को कंक्लूड नहीं किया है, हमारी तरफ से मामले की जांच जारी है और जहां तक तहसील स्तर के जो मामले की बात है वो मैंने ऑलरेडी डी सी साहब से रिक्वेस्ट किया है और डी सी साहब उस पर उचित संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे, आपस में इस संबंध में कोऑर्डिनेशन से काम करें और एक अच्छी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ न हो, ये हम इंश्योर करेंगे। कुछ हमने विगत दिनों में मेरे पास भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर दो पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करके चार पुलिस कर्मचारियों की डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी शुरू की गई है, तो ये हम इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार से अवैध माइनिंग की गतिविधियां ना। साहब, हमारे शहर की ना बदनामी करती हैं कुछ लोग, महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में आदमी है, रोजाना हाईवे पर खड़े होते हैं, सेक्टर 12 से आप देवीलाल चौक की तरफ चले जाएं, बरेली बाईपास के आप चले जाएं, पिछले दिनों भी हमने आपके संज्ञान में डाला था, लेकिन वो चक्कर क्या होता है आपके समय वो कुछ लूटपाट जैसी घटनाएं भी करती हैं ट्रक ड्राइवर्स के साथ करती, लेकिन लोग जो है समाज में बेइज्जती के चलते आधे लोग तो 80% शिकायतें नहीं देते कि जो कुछ हुआ लूट लिया, झाड़ियों में छुप जाते हैं। मॉल है या मॉल के आसपास तरावड़ी और यहाँ पर करनाल शहर के आसपास जो जीटी रोड का इलाका है वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, आपने भी हमारे संज्ञान में लेके आए थे। हमने बाद में पुलिस की वहाँ पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाई थी लेकिन अभी तक उसमें संबंध में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि खास तौर पर रात के समय जो ट्रक ड्राइवर जो सड़कों के किनारे ट्रक खड़े करके अपनी आराम से करते हैं उनके उनसे कोई लूटपाट की घटना ना हो और इस संबंध में एक अंकुश लगाया जा सके, इस संबंध जो भी उचित कदम उठाए जाने होंगे वो होता है। देखिए, इन दोनों का हमने 8 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, इस दौरान गहनता से पूछताछ करी थी और ये पाया गया कि कुछ जो यहाँ से लोग कुछ विदेश में गए हुए हैं वो लगातार इनको पैसे उपलब्ध कराते रहते थे, कुछ लोगों के नाम हमारे पास में सामने भी आए हैं, कुछ अभी तक 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, हम उनका ये भी पता करवा रहे हैं कि उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और वो जो पासपोर्ट लेकर के यहाँ से विदेश भागने में कैसे कामयाब हो पाए, तो उस संबंध में हमारी भी जाँच चल रही है, हमने अभी उसको कंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने भी इन लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहायता की है अपराध यहाँ पर अपराध करवाने में उन सभी के खिलाफ हम सुनिश्चित करेंगे। रिमांड के दौरान सर कृष्ण दादपुरे इन्होंने ये भी बताया कि बबली अजंतली नरेश अजंतली के परिवार को गांव के कुछ लोग मुखबिरी करते थे, लगातार लोकेशंस बताते थे। देखिए, अभी 2 लोगों को हमने और पकड़ा भी है जिनसे ये सामने आया कि वो लगातार यहाँ पर रेकी कर रहे थे, जो नरेश अभी जुडिशियल कस्टडी में अंदर है और एक रोमिल नाम के व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी हत्या करवाने की प्लान कर रहे थे, उन दोनों लड़कों को पकड़ा भी गया है जिन जो कृष्ण दादूपुर की सेहत पे यहाँ पर भेजे गए थे। इसके अलावा भी जिन्होंने बबली हत्याकांड में या पिंटू हत्याकांड में जिन्होंने भी अप्रत्यक्ष तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे कोई मुखबिरी पहुँचाई हो या आर्थिक रूप से मदद की हो जिससे इस अपराध को अंजाम देने में वो कामयाब हो पाए उनके खिलाफ भी हम देखिए, जैसा मैंने अभी बताया वो बाहर के रहने वाले हैं लेकिन अभी भी हमने मामले को कंक्लूड नहीं किया है, अभी हमारी जाँच उस मामले में चल रही हुई है जिसको करके हम वसूली करेंगे, तो इसमें किसी भी की टेंडेंसी होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कुड़की करके वसूली की जाएगी। सर, एनडीआरआई के अंदर लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, पीछे मिस्त्री घोटाला हुआ था, वो नकली रैपर पकड़े गए गेट इसका इस्तेमाल हो, अगर हम ये करते हैं तो जैसे जैसे टीके लगते जाएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग सीनियर सिटीजन 1.5 लाख के करीब हैं हमारे ज़िले में, आने वाले 1 महीने में सबको कवर कर लें हम। अब
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।